अल्लाह इंसान से पूछ रहे हैं कि क्या तुम गुमान करते हो हमने तुम्हें फालतू तु पैदा किया और तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद नहीं है अफा तुम्हारा ला तुर तुमने अल्लाह के पास लौट के नहीं जाना तो अल्लाह ताला मेरे दोस्तों किसी चीज को भी फालतू नहीं बनाया अकलमंद लोग अल्लाह लो लो से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तहज्जुद में उठते थे और सुर आल इमरान की आखिरी रुकू पढ़ते थे उसमें अकलमंदो की निशानी है वो कहते हैं रबना मा खलता हादा बातला कोई चीज़ फालतू पैदा नहीं किया सब बहुत खुशकस्मत मजमा है जो अल्लाह की बात सुनता है कि अल्लाह तला की यानी अल्लाह तब से राज़ी उसकीत है अल्लाह की बात सुनना तो बहुत बड़ी है अल्लाह से राजी अल्लाह फरमाते हैं फहीम खैर जिसमें अल्लाह खैर देखते हैं बस उसको अपनी बात सुनाते बोलो असम तवल अगर ये सुन भी लेते तो मुंह मोड़ के चले जाते अल्लाह की बात नहीं सुनते तो अल्लाह की बात सुनने वाला कुरान कहता है अक्लमंद आदमी है और अल्लाह फरमाते हैं कायनात के सबसे बदतर लोग हैं ना जो सुनते हैं ना बोलते हैं नर्रबाबी इंद मक में लदीन लाइया इनमें अक्ल ही नहीं है तो क्योंकि अगर ये अल्लाह की बात सुन लेते तो इनको सबसे पहली चीज़ पता चलती कि आज इंसान एक धोखे में पड़ा है वो समझ रहा है उसकी रोजी मस्जिद के बाहर है इतना बड़ा धोखा यह है मैं उस धोखे से तीस साल गुजार के आ रहा हूं कि रोजी के मस्जिद के बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है रोजी बाहर एक सबब है सबब से उतरती है बाज्ला बगैर सबब के उतारते हैं बनी इसराइल को चालीस साल बगैर के अल्लाह ने रोजी दी कुरान में करके देखा चालीस साल सूरह माह जो है माह दस्तर खान ईसा आलिम के लिए उतारा आसमान से पका पकाया खाना मरियम आलम को रोजाना अंदर बंद कमरे में रोजाना नई रोजी पहुंचाई बग़ैर मौसम के सर्दी में दर्त में से खुजुर निकाल दी एक बहुत बड़ा उम्मत में, में मेरे दोस्तों अच्छा बाहर की मेहनत से किसी के काम भी नहीं बन रहे या तो कुछ सेट हो गया हो अभी तक मुझे तीस साल हो गए मैं तो एक को भी सेट नहीं देगा बस वो कह रहे हैं इन शाला आप दुआ करें मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ सेट हो जाऊँगा फिर ऑस्ट्रेलिया में दुआ करवाता है अमेरिका शिफ्ट अमरीका सेट हो जाओ फिर अमेरिका से अभी मैं मैं कनाडा से से आ रहा काफी लोग वहां गए सेट अभी जब मैं गया था, 2020 में कैनेडा सेनेडा तो वो अभी अमरीका से वहां पहुंच अब मैं कह रहे हैं हम वापिस अमरीका जा रहे हैं डेहले सेट हो जाएंगे कोई सेट नहीं हो रहा कि अल्लाह तला ने जैसे कुछ चाय बनाने वाला चीनी ना डाले हम उसे हिलाई जाए हिलाई जाए वो कह बेवकूफ़ मैंने तो मीठा डाला ही नहीं चीनी डाली तुम कैसे मीठा अल्लाह ने जमीन के किसी असबाब के साथ हमारी रोजी का ताल्लुक जोड़ा है अल्लाह फा जिस वजह से सबको पता है सबको पता है दिन पे चलना चाहिए ना आज मालूम की कमी नहीं है ना सबको पता चाहिए नमाज पढ़नी चाहिए सबको पता है मैंने किसी मुसलमान से अभी तक ये नहीं सुना कि तबलीग का काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए भाई हजरत आखिरी नबी है अब कोई नबी आएगा नहीं क्या करें करना चाहिए लेकिन मैं करूँ कैसे मैं फंसा बच्चे भी तो पालने घर भी तो है इतनी सारी हेंड्रेंसेज मेरे दोस्तों आई क्यों कि अल्लाह तबार हमें थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है मेरे दोस्तों सिर्फ ये क्यों उसकी वजह यह है कि हम ये सारे निजाम को ये सर की आंखों से समझना चाह रहे हैं हम ये सारे निज़ाम को सर की अकल से समझना चाह रहे हैं हम ये सारे निज़ाम को कान के सर के कान से समझना चाह रहे हैं अल्लाह कहते हैं ये जो कुरान अभी मौलाना ने पढ़ा है ये इतनी शदीद आयतें हैं और माया एक सहाबी कहते हैं ये आखिरी सूरह ममनून की चार आयतें तुम जो किसी पहाड़ पे दम का जो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा तावी साहब रिखा है मैंने तो उसके बड़े फायदे देखे कि को जो है कोई भी बीमारी है कोई बीमारी आई है लेकिन क्या है कि आज मुसलमान कान में दम कम करते हैं नाक में दम ज्यादा करते हैं नाक में दम जो है ना उनमें बड़ा असर है कान के दम में उसका असर नहीं हो सकता जो अल्लाह के हुक्म को पूरा ना करें ना क्योंकि मेरे दोस्तों आदमी जब ये नमाज जो है ना ये छोटे ईमान से भी पढ़ी जा सकती है ना बॉर्डर है कुफर का इस्लाम का जर्रा बराबर ईमान हो आदमी पांच वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा लेकिन वजू के बगैर नमाज नहीं होती ना जब अल्लाह ताला इसको पाक करते हैं वजू से फिर नमाज पढ़वाते हैं बगैर वजू के नमाज जान बुझ के पढ़े तो उलमा से पूछे इस्लाम में रहता ही नहीं रहता तो अल्लाह इसको पहले वजू करवाते हैं फिर आके खड़ो जर्रा बराबर ईमान जो नजर ना आए मस्टर्ड सीट वो नमाजी बन जाता है लेकिन मेरे दोस्तों दावत का काम अल्लाह किसी गुनागार से नहीं लेते अपने दीन का काम अल्लाह किसी गुनागार से नहीं कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में जहन्नुम में कौन है इन नफीन और कानस ये जहनुमी कौन है ये दुनिया में लग्जरियस लाइफ स्टाइल के शौकीन थे ये अच्छी जिंदगी ऐश वाली गुजारना चाहते थे ऐश वत वाली गाड़ियाँ अच्छी हों सोफे अच्छे हों बेड अच्छा हो बस मैं यहाँ रहने मैंने थोड़ी मरना है मैं तो यहाँ रहने आया हूँ ये इसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि मेरे दोस्तों कसम खाने को तैयार हूं जरूरत जिंदगी की वजह से कभी इंसान दिन से निकटता ना मैंने अपनी जो मुझे थोड़ा सा ने तोफीक दी मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके वो जो ख्वाहिशात की बदतरीन जिंदगी थी उसको आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन किया कट डाउन किया अल्लाह का फजल करें क्योंकि मैंने लोगों को देखा इतने सुकून में कैसे हैं इनको सेहत है इनको आफियत है क्यों अपनी जिंदगी कट डाउन किए आदमी जब फंसता है ना क्यों फंसता है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे कुरान में वस्बिर नफ्स रब्बहुम मेरे नबी जी आप भी खुद आप रोजाना सुबह शाम उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं जिनको वही आती है उनको जरूरत है सुनने की हालांकि जरूरत नहीं थी अल्लाह ने हमें बताया कि देखो मैंने भी क्योंकि मेरे दोस्तों जितना मर्जी बड़ी खिलाड़ी हो जाए प्रैक्टिस की उसको जरूरत है बल्कि गड़बड़े खिलाड़ी को और प्रैक्टिस की जरूरत होती है मुल्क का लोड होता है कौम का लोड होता है लोग उसके लोड होते हैं तो अल्लाह नबी से कह रहे हैं कि आप भी पाबंदी के साथ सुबह शाम रोजाना क्यों कहा मेरे दोस्तों ये मिट्टी की सिफत है <coughs> मट्टी को रोजाना पानी देना पड़ता है और हमारी जो क्रिकेट ग्राउंड की मट्टी होती है उसको बहुत पैसे लगते हैं करोड़ रुपए सालाना लगते हैं उसको हर बार हरा रखना है पिच को हर बार जानदार रखना है कि पिच में मैच हो सके अब ये पिच बिल्कुल ढीली हो चुकी है ये हमारी पिच ऐसी है कि दुनिया के काम के लिए तो बीवी छोड़ देगी ना कि अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए बीवी पाकिस्तान में रह रही है बस तो दुआ कर दें साल हो गए खुश है, है पैसे भेज रहा देर तो माशा कोई तंग नहीं करती ये बच्चे को छोड़ सकती है पिच सारे कामों के लिए तो मैं एफ आर सी एस कर लू से लेकिन अल्लाह के दिन के लिए बीबी बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं अल्लाह तला हमारी पिच ग्राउंड पे जो क्यूरेटर है ग्राउंडमैन वो फजर और असर के बाद ठंडी धूप में दो दफा ग्राउंड को पानी देता था 24 घंटे अल्लाह ग्राउंड को खुद सीख कर देते थे ये मट्टी की सिफत है इसको दो दफा पानी चाहिए तो अल्लाह नबी को कह रहे हैं नबी वसल्लम कह रहे हैं आप भी सुबह शाम रोजाना उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें यहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं और ये लोग कौन है अल्लाह ने लोग भी बताए ऐसे नहीं कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह की बात सुनते हैं अंधे बहरू के गिर नहीं जाते तहकी सोचते हैं अल्लाह फरमाने किनके साथ जुड़ना है मेरे दोस्तों किन के ये भी बताए किन के साथ जुड़ना है ये वो है वजह ये 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 जो बैठते हैं ना अल्लाह की बात करते हैं ये आपके पास आते हैं गश्त करते हैं ये इस काम से कुछ भी नहीं चाहते ये सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं ये आपसे माल भी नहीं मांगेंगे आपसे शाबाशी नहीं आपसे नहीं कहेंगे हम कुछ दो ये बस आपसे चाहेंगे कि भाई हमारी बात सुनो हमारे साथ बैठ जाओ हम भी बर्बाद हुए थे हम भी परेशान थे ये हम थोड़ी देर एक दो महीने हम आमाल में बैठे अल्लाह जिंदगी पलटी ये वो लोग हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते और और जी, वाला तादू का और ए जी, आप अपनी नजरें इन मजालिस से ना हटाइएगा इन लोगों से ना हटिया हटिएगा आप क्यों किसकी वजह से तुरी दूर जीनत है दुनिया दुनिया की जीनत की वजह से मेरे दोस्तों दुनिया की जीनते हमें मरवा दी है ना हमें आज मैं वो भाई क्या ठहरा हूँ किसी भाई के घर में तो मैंने देखा यहाँ तक आ गया कि उसके हाथ पे रखो तो गार्बेज डस्टबिन खुद खुल जाता है ये एक पूरी एक पॉलिसी की है अल्लाह कुरान में कहते हैं लकत खल इंसाना फिकबत हमने इंसान को फितरत मुशक्कत पे पैदा किया अच्छा अनजाने में इन्होंने हम पैसा क्योंकि एक यहूदी आया था हजूल के जाने के बाद मदीना में तो उससे उसने अपने यहूदियों से कहा कि मुसलमानों का इस्लाम तुम नहीं छीन सकते मुश्किल है ये तो तीन साल शेब शेबिन नबी तालिब में भूखे रहे इनकी औरतों के दूध आना बंद हो गया बच्चे भूखे मर गए इस्लाम छड़ो इनको चंद चीजों की आदत डाल दो गया इस्लाम इन एक इनको नावल डाइजेस्ट पढ़ने की आदत डाल दो नावल ये फेसबुक व्हाट्सएप अखबार आज क्या हो कल क्योंकि अखबार की जिसको आदत पड़ जाए ना जिसको अखबार रोजाना पढ़ने की आदत पड़ जाए हम देखते हैं ईद में ना वो बेचारा परेशान होता है कि अखबार वही तीन दिन से पढ़ रहा है कोई नगे खबर सा हो कहीं बम फटा है नया हंगामा हुआ पुरानी खबर पढ़ने का शौक खत्म जब ये तीन दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकता तो चौदह सौ साल पुराना कुरान हदीस कैसे पढ़ेगा पहला काम डाला इनको डालो कुरान ये डालो नायब और मैंने वल्ला सच बता रहा हूँ इतने हज उमरे देखे लोगों को लेकिन जो ये डाइजेस्ट पढ़ते हैं ना टॉयलेट में भी जाके बाथरूम में भी जाके मोबाइल देखते हैं मैंने हिदायत किसको कहते हैं मेरे दोस्त हिदायत अपने पास से थोड़ी नमाज पढ़ रहा हूँ मैं हज कर रहा हूँ मुशरकिन हर साल हज करते थे हम तो अल्लाह से पूछेंगे उसके रसूल से और याद रखना बातें भूल जाऊंगा तो नींद में हूं तो माजरत भाई निकल तो मुझे रोक देना तो वो फरमाया कि तीन काम इनमें डाल दो तीन काम इ, इनको नॉविल डाइजेस्ट की दूसरा इनके घर में नाच गाने के आलाट डाल दो इंस्ट्रूमेंट मोबाइल में बैल बैठ जैसे हर में भी बैले बैठ इनके घर में म्यूजिक चला दो बस शैतान की आजान है पलटा हालांकि माशाल्लाह ऐसा मोल था जमील साहब रफी सारे मोहब्बत दोस्त थे उनके लेकिन गाने नहीं छोड़े थे ना इधर उधर था क्यों शैतान जो गाने सुनता है इसको हिदायत मिलना बहुत मुश्किल है तारिक जमील साहब कहते हैं मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं होता लेकिन कभी खुदा ना खासता को तो पुराना गाना चलता है ना हरम में मेरी खोपड़ी पूरे एक महीने घूमती है उस गाने से ये इतना खतरनाक काम है नाच गाने के आलाट डाल दो और तीसरी चीज इनको आराम की आदत डाल दो इस्लाम की जिंदगी से ऐसे निकलेगा जैसे इनको पता भी नहीं चलेगा आराम क्योंकि मेरे दोस्तों तो पागल है किश्ती को पानी से बाहर निकाल के चलाए किश्ती पानी के लिए बनी है अल्लाह कह रहे हमने तुम्हें पैदा मुशक्कत के लिए किया जब औरत नौ महीने बाहर से मुशक्कत से गुजारती है अल्लाह इसके अंदर बच्चा दे देता जब तक ज़ाहरी मुशक्कत नहीं होगी अंदर कुछ नहीं बनेगा जमीन पे जब तक जाहिरी जमीन है, जमीन, मट्टी, ये मट्टी है। इस पर जब मुशक्त आती है गर्मी की पचास डिग्री अच्छा हमारे यहाँ सबसे अच्छा आम कहाँ निकलता है सख् में, में। सिंध की सबसे गर्मी जो ज्यादा सक्खर में है और पंजाब की मुल्तान में यहाँ से सबसे अच्छा आम अनवर रटोल निकलता है जितनी मट्टी पर गर्मी पड़ेगी उतना मीठा आम अब इस मट्टी पे ए चल रहा है यह तो करेला निकालेगा आम निकाल के दिखा देगा तो जरा सा अभी हमारे एक साथी ने बयान किया भूख पे दौड़ा दड़ इधर साहबी को गिराया उधर साहबी को सफेद गिरा दी साहबा की और बयान के बाद आठ रोटियां और डेढ़ पिज्जा खा गया हमारे तो बयान इस टाइप के होते हैं बयान कुछ अमल कुछ नहीं ये मट्टी कैसे मेरे दोस्तों मैं आपको एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ आखिरत तो छोड़ो दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा जो आराम पसंदी का आदि होता है मट्टी पे जब तक शदीद गर्मी नहीं पड़ती मट्टी की अजवा निकाल ही नहीं सकती पश्चिम की अजवा बहुत जबरदस्त मदीना की क्योंकि इनकी गर्मी शदीद होती इससे अजवा नहीं की मीठी तरीन चीज और खजूर जो है ना अल्लाह के नबीम ने खजूर को खजूर को मोमिन से तस्वीर दी है कि मोमिन खजूर के दरख की तरह होता है दरख्त इसकी कोई चीज भी फायदा नहीं होती बेफायदा आपको अजीब बात बताऊं हमारे मदीने मौलमा है उन्होंने खजूर के दरख की ना तहकी किया खजूर के दरख्त को लिया गोटली खुजूर और यह खजूर की जो बड़े टोपी होती है ना ये आपको पता है ना एक होता है टोपी पहनना एक होता है टोपी पहनाना ना पहले मुसलमान टोपी पहनते थे आज पहना रहे हैं ना तो खजूर की टोपी ये टोपी इतनी जरूरी है कि अगर ये टोपी पहनता रहेगा ना इसके अंदर कीड़ा नहीं घुसेगा ये जो आजकल कीड़े हैं ना नए सेल फोन का कीड़ा और नए गाड़ी का कीड़ा इधर उधर के की कीड़े ये टोपी रोकती है ये टोपी अजीब चीज है साइंस अभी प्रूफ किया है कि जब तक खजूर पर टोपी रहती है कीड़ा इसके अंदर घुस नहीं सकता मैं तो खजूर वाली कीड़े वो टोपी और टोपी में कैंसर का इलाज है आप बताओ मैंने एक आलिम को बता दिया उससे कहा मुझे बढ़िया ये बीमारी है मैं आप टोपियाँ खाएं उनका आपका दिमाग आप कहें यार आंखें बंद करके टोपी खा ले कि तबलीखियों को और ये जो मौली हजरा आते हैं इनको खाने में जरा एहतियात करते हैं खाना ना वो कहा आपका परहेज है मैं सब कम खाने से परहेज है बाकी जो मर्जी लो एक हमसे जमा देखा आप कितना खाते हैं मैं जी हम सिर्फ एक दफा खाते हैं ज्यादा एहतमाम किया क्यों कहा तीन घंटे में ये नहीं चौबीस घंटे में तीन घंटे में एक दफा खाते तो मेरे दोस्तों ये हो नहीं सकता कि जिम में मुशक्कत ना करे, इसके मसल बन जाए आज इन्होंने, बातिल ने क्या किया हमारे साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है हमारे वाल साहब के अच्छे बड़े मसल होते थे वो डब्ल्यू सी यू खींचते थे उसमें चेन होती थी ना ऐसे चेन जो तो मसल बनते रहते थे यार ये मसल बन रहे इसको बटन दे दो है ना अब वो मसल बन दोगे ठुस अब बटन दे दिया अब बटन चलो अभी अंगूठा बन रहा है ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो अभी हम दुबई में बैठे थे दो मेरे जानने वाले मैं सात वाले कमरे में बैठा लेटा था उनकी बात से सुन रहा सेठ थे दोनों दोनों दीनदार दोनों हज किए हुए हर साल हज पता नहीं हज तो कह रहे थे मैंने टॉयलेट बनाया टॉयलेट का तस्कर अल्लाह कहते ना मेरा तस्कर मैंने टॉयलेट बनाया उसकी टाइलें एक्स्ट्रा ले, ले लिया चाइना से जाके ताकि अगर एक भी टॉयलेट टूट गई तो मुझे कब्ज हो जाएगा और मैंने जो डब्ल्यू सी लिया ना इस दुनिया की नंबर वन डब्ल्यू सी तो डब्ल्यू सी के टॉक हो रही है दो दो घंटे तो मेरे दोस्तों इन्होंने क्या क्या बटन दे दिया अब चाइना में और जापान में उस कॉइन डालो तो आपके ना वो डब्ल्यू सी में एक नीचे ब्रश होता है अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा टोटल ऑटो पायलट है आप बैठ जाओ सेलफोन लो खूब मजे करो और बाहर लोग चीखे मारे आप मोबाइल में लगे रहो और खुद ऑटो पायलट भी वो चलेगा सफाई ये इन्होंने हमें ठुस कर दिया फिर कहा ये क्लच दबाते हैं गाड़ियों में इसको चेंज करो ऑटोमेटिक गाड़ियां दो ये पैर मूव हो रहे हैं फिर कहा ये विंडोज हैं ये लाते हैं नहीं इनको पावर विंडोज दो फिर इनसे कहा नहीं ये जो है ना रिमोट कंट्रोल दो एसी वहां जाना पड़ेगा टीवी का रिमोट दो फिर बिगाई खड़ोगे है यहीं से गेट खोल दो तो यहीं से गैराज दूर से खोलो बाहर ना निकलो इन्होंने हमें ठुस कर दिया ठुस आदमी उस इस्लाम पे नहीं चल सकता जो अल्लाह चाहते हैं अल्लाह ने इस्लाम को जोड़ा मुशक्कत से मेरे दोस्त ये अंबिया ऐसी मुशक्कत आके उठाते थे ये इब्राहिम अल्लाह से पूछ रहे हैं खलील उल्ला जिसने आग में जाते हुए अल्लाह की मदद फरिश्तों से मदद नहीं ली कि अल्लाह ने भेजा ठीक है मैंने तुम्हारी कोई जरूरत नहीं अब जनाब आग में डाले गए मुंजनी से फेंके गए ऊपर से नीचे ये अब अल्लाह इनसे कह अल जा रहे हैं बस्ती देखी तबाह हुई तो क्या अल्लाह ताला ये बस्ती तू कैसे जिंदा करेगा इब्राहिम आपको यकीन नहीं कि अल्लाह अजमाना ने कल्ब के लिए पूछा अल्लाह तो दिल को देखता है ना अल्लाह दिल को देखता है घुसेगी दिल को देख सलीम ना माल काम आएगा ना, ना बनून बेटे माँ तो कल्ब सलीम काम आएगा कलब सलीम कलब सलीम तो इब्राहिम का कलब सलीम अल्लाह ने देखा पक्का था का अच्छा इब्राहिम आप चार परिंदे लेके आओ उनको अपने सा, अपने साथ रखो उनको अपने साथ माल करो उनको पालो चार परिंदे अब

और बूढ़ी माँ बाप को रोते हुए देखा जेबा होते हुए जब उनके तीन महीने से बकरे थे अल्लाह मोहब्बत डाल देता है ना तो परिंदों से अब परिंदों से और वो तो नबी इतना शफीक माँ बाप से ज्यादा शफीक अब वो परिंदे चार पाले क्या इब्राहिम अब इनको ज़ेबा करो अब तो जेबा किया ना जैसे बेटे को भी कोशिश की अब इनके चारों सर अलग कर लो और इब्राहिम साहब के छोटे छोटे, छोटे टुकड़े करो और इनको अब आपस में मिला दो और मेरे खलील अब इनके चार जुज बनाओ और एक जुज लो और वो वहां जाके पहाड़ पर रख आओ अब मेरे दोस्तों अल्लाह ने यहाँ क्यों नहीं करवाया क्यों यही करवा दे आंखों के सामने ये स्टोरी हमें क्यों सुना दें और वहां के जहाँ के उमा जहाँ हुआ है मैंने उनसे खुद सुना रहा कि वो पहाड़ी पे जाना कम अज कम या तो तीन महीने पैदल या एक महीने का सफर है अब ये इतना लंबा सफर क्यों क्योंकि मेरे दोस्तों दीन उत काफा ये नमाज दीन नहीं है आंख इंसान नहीं है वो आंख हारी इंसान नहीं पूरा जिसम इंसान है आंख भी है कान भी है हाथ भी इस्लाम यह नमाज नहीं है सिर्फ और याद रखना मेरे दोस्तों अल्लाह ने नमाज से दुनिया में कोई वादा नहीं किया है ये बात है, बात मेरी आप याद रखिएगा पूरी सुनिएगा अल्लाह ने कहीं ना कहा माल आज मेरे दोस्तों मेरे आंखों के सामने नमाजी इस्लाम छोड़ रहे तो नमाज से वादे पूरे नहीं हो रहे अल्लाह ने नमाज से जन्नत का वादा किया है अगर तू मुसलमान बन के चला गया मुसलमान बन के जाना मेरे दोस्तों इतना आसान काम होता ना तो यूसफ सलाम जैसा आदमी जिसको रहे हैं, कसस, कस, और अल्लाह के नबी उनके सबर की तवफनी मुस्लिम सवाली ए अल्लाह मेरे सारो जमीन आसमान का मालिक बनाने वाला मेरी दुनिया आखरत का वली मेरा गार्जियन ओ अल्लाह मुझे मुसलमान की मौत अथा करना और नेकू के साथ शुमार कर लेना मेरे दोस्तों मुसलमान या अल्लाह डॉक्टर बना दे या अल्लाह इंजीनियर बना दे मुसलमान बनू या मुझसे डरो डरो बताओ मुझे तो डर नहीं लगता अल्लाह मुझे माफ करे अल्लाह कुरान में कहते हैं कुरान जबल तो अगर ये कुरान अल्लाह पहाड़ पे नाजिल करता पहाड़ इसकी खशियत से फट जाता पूरे रमजान में मेरा आंसू नहीं निकला मेरे दोस्तों कितना हमारा दिल कहां चला गया मैं तो खुद परेशान हूं बल्कि मेरे दोस्तों रोज मुझे एक आदमी ने कहा कि सईद भाई मुझे रोजे में गुस्सा बहुत आता है मैं कहा तू बहुत दो नंबर आदमी है कि अल्लाह कह रहे हैं रोजे से तखवा आता है और तखवे की अलामत क्या बताइए बल कामीन गकवे वाले गुस्से को कंट्रोल करते हैं अगर रोजे से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे दोस्तों ये रोजा दो नंबर है कि हम इस वक्त आजकल रोजा सिर्फ खाने पीने का रुक रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक गाने मैच ये वो उसका रोजा है ही नहीं क्योंकि मेरे दोस्तों जिसकी चारों गाड़ी की खिड़कियां खुली हों चारों खिड़कियां और ए सी चलाए गाड़ी कभी ठंडी नहीं होगी जिसकी चारों गाड़ी की खिड़कियां खुली सर्दी में हीटर चलाए हमारी चारों खिड़कियां खुली हैं गुना की आंख की कान की ख्याल की जबान की इसलिए गाड़ी ठंडी नहीं हो रही इससे तकवा नहीं आ रहा और अल्लाह की कसम तकवा आ गया इस गंदी दुनिया से अल्लाह आपकी हिफाजत कराएगा अल्लाह आसान तरीन रोजी आपको घर बैठ के खिलाएगा सबसे मसला बड़ा ये है कि अगर अल्लाह का डर आ गया जैसे इब्राहिम के अंदर था। जैसे हजरत मोहम्मद के, के, के रसूल क्या हुआ आपके चेहरे को क्या हो गया ये खौफ ये रंग क्यों बदल गया तुम हो कौन कहा आपकी बीवी आयशा का कौन आयशा कहा अबू बकर की बेटी का कौन है बकर अबू कहा किसी को नहीं जानता खौफ इब्राहिम साहब को वहां जाओ वहां रख जाओ वापिस बुलाया फिर दूसरे चार पहाड़ पे भेजा ऐसे मेरे दोस्तों ये वसीम अकरम घर बैठे नहीं बनता बड़े डंडे खाने पड़ते हैं बड़ी जिल्लत उठानी पड़ती है हर चीज को अल्लाह ने मुशक्कत से जोड़ा है जाहदू वो दीना जाहदीना जो अल्लाह के रस्ते के जो अल्लाह के लिए मुजाहिदे करेगा जो अल्लाह के दीन के लिए मुजाहिदे करेगा लड़कियां आ रही हैं सामने से अब मुजाहिदा आ गया नजरें नीची कर रहा है ये सामने हराम है ये पता नहीं कहाँ चला गया हराम से ये मुजाहिदा करें जो अल्लाह के दीन पे चलने के लिए मुजाहे करेगा अपने नफ्स क्योंकि मेरे दोस्तों सबसे बड़ा मुजाहिद है जो अपने नफ्स से मुजाहिदा करे अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा मुजाहिदा कोई नहीं देखा और एक तो है ना हो ना आपके पास पैसे हैं अब तो रहमान में नाफ रहता अशरफ मुबशा क्यों बने पैसे थे लेकिन नफ्स के साथ मुजाह अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कस्मे खा के कस्मे चार खाई है कस्मे व शम्स वोहाम्र ईजा चलहा जल रहा ले लीजा ग्यारह कस्में खाई इंसान इस ख्वाहिश पे ना चलना इसको कंट्रोल कर लेना ये मरवा देगी हर साल नहीं, हर साल ये मरवा देगी कुरान तो में अल्लाह कह रहे हैं ये जहनुम में कौन है ये ये आश, आयाशी के शौकीन थे और लाइफ स्टाइल और ये गुनाह कबीरा पे इस बहुत करते थे गुना हो जाता है माँ अल्लाह ये सब मुसाइब से बंदा कतल हो गया अनजाने में गलती से गुना होता है अल्लाह ने उत्ख... कलीम उल्ला बना दिया यानी कतल के बाद वो आदमी बना दिया जिस वाहिद से ने में कलाम किया है अल्लाह बहुत करीम रही सत्तर साहबा शहीद करके चले गए हजरत खालिद बिन वली अल्लाह ने सैफुल्ला बना दिया हजरत वाशीद ने कतल किया हजरत हमजा का टुकड़े कर दिए कान आपके अल्लाह ने सहाबी बना दिया इतना बड़ा काम लिया कि जाके वो मुसलमा कस्बा को जाके कतल कर दिया मेरे दोस्तों उन चारों को मुजाहिदे कर अब क्या इब्राहिम इस्लाम बुलाओ इनको अपने जो नाम रखे थे बुलाया मेरे दोस्तों खोपड़ियां उनके एक एक चल के के चल गई हैं जो खून पड़ा था खुश वो जिंदा हुआ है और जाके वो खून जोड़ा और पूरे जिस्म और परिंदे चल के वापस आए मेरे दोस्तों ये जन्नत इतनी आराम से नहीं मिलती दीन हर चीज को हर चीज को अल्लाह ने मेहनत से जोड़ा हुआ है डॉक्टर बनना है पच्चीस साल की मेहनत करो इंजीनियर बनना है पच्चीस साल की मेहनत करो क्रिकेटर बनना है बारह घंटे ग्राउंड में रगड़ा खाओ मेरे दोस्तों हमारे से गलती क्या हुई कि हमने जो है ये आराम पसंदी के क्योंकि हमसे जो दीन छूट रहा है ना अल्लाह ने साफ कहा है कि मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया या वमा खलकतु विल्सा, इल्ला मैंने इसलिए पैदा किया तुम सिर्फ मेरी इबादत करो बस इबादत किसको कहते हैं आबिद किसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो किसी की गुलामी के अंडर हो ये नौकरी नहीं है नाइन टू फाइव गुलामी आब्द

बाजी दफा मेरे पास लोग आते हैं सही पे आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया मैंने कहा भाई मैं तो ये अपना तारुफ भी नहीं कराना चाहता क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल रसुलसम ने पूछा ये आदमी कैसा है कहा बहुत सरदार है और जहां लड़की का पैगाम दे इसको लड़की दे दें दे। जो माल उधार मांगे इसको उधार दे दें दे। इससे लोग मश्रे करते हैं कहा अच्छा ये आदमी कैसे है ऐसी मामूली सा आदमी है ये मौलवी ये सहीद जनवर बहुत मशहूर तो ऐसी है तबलीगी कोई भी नहीं जानता ना कोई उसको मुंह लगाए ना उसको को कोई लड़की दे ना कोई उसको उधार दे ना कोई से मशरा ले का सारी दुनिया सही जनवर से भर जाए इस गरीब आदमी के बराबर नहीं सारी दुनिया अल्लाह को गुर्बत पसंद है पांच अजीम तरीन उलुल अजम नबी अल्लाह ने सब गरीब बनाए इख्तियारी गुर्बत मेरे दोस्तों आज हमसे दीन छुट रहा है ये जीनत और शैतान ने कहा था

इनको दुनिया खूबसूरत बना के दिखाऊंगा क्या बनाऊंगा सात चीजें खूबसूरत बनाऊंगा इनको औरतें बहुत खूबसूरत बनाऊंगा दिखा के शादी के बाद ये परेशान होंगे ये क्या कर लिया शादी से पहले ऐसा खूबसूरत देखेगा कि बस इसी से शादी करनी है कोई ये नहीं देख रहा लड़की भी पागल लड़का भी पागल हमारे यहाँ तो इतनी तलाके रही है शादी से पहले वो जो है आजकल तो लड़के भी मेकअप करते हैं ना एक शादी में लड़के लड़कियां दोनों मेकअप से आए हुए थे तो वो एकदम जिन्नाथ आ गए वो तो डर गए वो जिन्नात तो ना मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब मर्द ने फोन किया भाई हम जिन्नात आ गए उनका तुम और, और मर्द साहब जाओ मुंह धो के आओ अब वो सारे के मुंह धोने तो जिन्नातों का फोन आया मौली साहब ये कौन सी मकलो जिन्नात डर गए सबने मेकअप किया मेरे दोस्तों का मेकअप करूंगा खूबसूरती का मैं इन सातों जगह से डुबकी मार के आ रहा हूं ये नहीं की मैंने नहीं देखा हो मैं देख के आओ मेरे पास तो ये सात चीजें आती थी हम तो है ना जाते हैं हमारे पास सात चीजें आती थी पूरी दुनिया पूरी दुनिया में कौन सबसे पहले औरतों से मरवाए गई और फरमाया शैतान का चाल तो कमजोर है औरत का मकर तो कवि है नाराज हो गई अम्मा जान पहले फल खाओ, बात नहीं करूंगी अब जब औरत कह दे, फिर तो हमारे एक दोस्त ने उन्होंने फोन पहली शादी के साल में नाम रखा बीबी का बेबीडॉल बेबी डॉल फोन है दूसरे साल में लिखा बारबीडॉल से बाल जरा बूढ़े हो गए बारबी डॉल अब उसका नाम रखा पेनाडोल पेनाडोल का फोना। नाम चेंज है बहुत खूबसूरत ऐसा इसी से करनी और लड़कियां घर छोड़ के भाग रही हैं इससे करनी है। लाहौर से पकड़ी गई लड़की पढ़ी लिखी दीनदार लाहौर में किसी शादी कर ली पुलिस तरह ये रोज किससे हो रहे हैं ऐसे फंसाएगा इनमें मर्द एक दूसरे को नंबर दो ये औलाद में औलाद हाँ इंशाल्लाह दीन का काम करें औलाद सेट कर लूं बस औलाद कभी सेट नहीं होती मेरे दोस्तों

रोजाना बीस महीने के देता है रोजाना बीवी के पे सर्फ पे जूते मारता है मार मारे मैं एक जेल में बच्चे से मिलेंगे साल साल का बच्चा। साल का बच्चा से बात करो मारो इसको थप्पड़ दो चार इसने रात को बीस हजार रुपए के लिए माँ बाप की छुरी से गर्दन काट दी मेरे दोस्तों ये औलाद अल्लाह को नाराज करके कोई हमारा जो हो ही नहीं सकता सवाल ही नहीं कर तीसरी चीज कहासवाएगा सोने में चांदी में और ब्रांडेड चीजों में ब्रांडेड हॉर्से ब्रांडेड चीजें बस अमी एक रोलेक्स दिला दे बस एक दफा मुझे ना कोई ब्रांडेड बॉस की शर्ट फला की शर्ट फला की शर्ट हजरत उमर कौन थे मेरे बात कोई नबी उमर होता अगर होता पूरे कपड़े उससे भरे पैबंद से पूरे कपड़े और किस में फंसाएगा हर सरा नाम खेतियों में प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी आज कल लोग अजीब बात कर रहे हैं मैं रियल एस्टेट का, का काम करता हूँ तो फिर अल्लाह आपकी स्टेट अनरियल है अगर ये रियल है तो वो तो अनरियल है पांच साल बाद पता चलता है अनरियल थी किसी और की होगी अनु या 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 रियल, या रियल है तो और आजकल लैंड क्रूजर और ये जो टेस्ला है तो मेरे दोस्तों इसके चमक धमक ये धोखा है ये तो हिदायत की चार अलामत है आखिरी आपसे बात कर रहा हूं अगर ये है तो हिदायत है वरना मेरे दोस्तों बगैर हिदायत के मर गया इसकी कोई ना की काम नहीं आएगी जो मर जैसे इन, इन्होंने अबू जहल अबू जह ने अपने हलाल पैसों से काबे की तामीर की काबे की तामीर दोनों झलु में क्योंकि मेरे दोस्तों हिदायत नहीं मिली थी हिदायत मिल जाए हिदायत मिल जाए मेरे दोस्तों कुछ भी ना मिला अल्लाह एक गरीब तरीन आदमी को जिसकी जिंदगी मोस्ट डिफिकल्टी से गुजरी है एडवर्सिटी से गुजरी है मैंने गैर मुस्लिम का बयान सुना न्यान मुसलमान गैर मुस्लिम का बयान पता क्या कह रहे थे बयान रोते हुए क्या, मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा मार दे जैसे मर्जी मार ए अल्लाह मेरे बच्चों से इस्लाम न छह मेरे बच्चों से इस्लाम न छीना पर मैं एक डुबकी देंगे इस आदमी को जिसने दुनिया तकलीफों से गुजारी हो हजरत बिलाल की तरह अबरग फारी की तरह ऐसी गुजारी होगी एक डुबकी मारेंगे अल्लाह जन्नत की सारी तकलीफ एक डुबकी सब सब भूल जाएगा या अल्लाह मैंने कुछ देखा ही नहीं और जो नाउज अयाशी का शौकीन फिर नमरुदारून एक डुबकी अल्लाह जहन्नुम की मारेंगे सारी आयाशी भूल जाएगा मेरे दोस्तों हिदायत में ये नमाज में क्या हिदायत तो मांग रहे हैं ये वाजिब हर नमाज में हमारे यहाँ अरबों में फर्ज है हर नमाज में पढ़नी है अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं हिदायत मांग रहे हैं हिदायत मिलती है मेरे दोस्तों हिदायत मिलती है पहली चीज मांगने से और उन लोगों के साथ बैठने से जिनको अल्लाह ने हिदायत दी हुई है ये हंड्रेड परसेंट सच बात है हिदायत मांगने से अल्लाह से मांगना और उन लोग यूसुफ को हिदायत मांगने से मिली है अल्लाह बेतलबे को नहीं देता कभी कभार दे देता हजरत उमर को दे दिया जब वो तालिब इतनी दुआ करते हैं इतनी कुर्बानी देते हैं जिससे अल्लाह को तरस आ जाए अल्लाह ताला हिदायत ना मांगने को उसको भी हिदायत दे देते हैं जैसे हजरत उमर को दी लेकिन हिदायत मेरे दोस्तों अल्लाह की एक सुन्नत कुदरत है कुदरत है माँ बाप के बगैर बच्चा पैदा कर दें सुन्नत है माँ बाप के साथ पैदा होती तो हिदायत की चार अलामतें कुरान ने बताई तो अबू जबाब ने काबा बनाया अल्लाह ने कुरान में कहा ये मुश्किल काबा बना के उसकी खिदमत करके कभी उनके बराबर नहीं हो सकते जो अल्लाह पे ईमान लाए उसके रसूल पे ईमान लाए और अल्लाह के रस्ते में अपने जान माल के साथ निकलते हैं ये तीन चीजें बताई ये काबा बनाने वाले उनके कभी बराबर नहीं हो सकते मेरे दोस्तों तो चार अलामत कुरान ने बताई है कि हिदायत की सबसे पहले ये मसाजिद को आबाद करते हैं आज अल्लाह की कसम पूरी दुनिया फिर रो एक परसेंट मुसलमान के पास मस्जिद आबाद करने का टाइम उसको ये भी नहीं पता मस्जिद आबाद कैसे होती अल्ला है अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं तुम्हारे दिलों को देख हमारी सारी मेहनत मस्जिद की दीवार पे अंदर बिल्कुल खाली सारी मेहनत हम केले के छिलके को खा रहे हैं और केला फेंक रहे हैं छिलका खा रहे हैं इतने पागल लोग हैं केला है असल हजरत मोहम्मद की मस्जिद कोई फिक्र नहीं थी नौ साल तक कि मस्जिद मस्जिद नहीं नौ साल तक मस्जिद को अंदर से आबाद किया मस्जिद में लालटेन नहीं थी मैं ये लेस्टर शहर आप में से कोई गया या नहीं पता नहीं आप गए या नहीं लेस्टर शहर वहाँ एक क्लब था शराब खाना तबलीग वालों ने वहाँ साथ में दुकान ली अमाल मस्जिद जो हजूर के अमाल मस्जिद के ये तबलीखी जमात के नहीं है मैंने तो अरबों से सुना मेरी तो जमीन निकल गई मैं तो जो, जो बताते ना अरबों के पास जाती हूँ कि जो ये चार ये चार काम है ये कुरान उतरने की तरतीब है ये छः नंबर अपने नहीं है मास बिन जबल को अल्लाह के नबी ने कहा जाओ जाओ माज उनको पहले कलमे की दावत देना वो कलमे पे आए नमाज की दावत देना नमाज पे आए जक़ात की हमारा तीसरा नंबर जकत पे आए चौथा नंबर उनको कहना है से आपस में मरे नहीं और हर नबी दाई होता है हर नबी मुखलिस होता है ये छह नंबर हैं ये हमारे पास मूसा इस्लाम को छह नंबर अल्लाह ने बताया तबलीग में कोई काम कुरान हदीस हयात तो साहबा से बाज नहीं है मरु की तबाह करो जिंदा की पीछे ना चलना सारा काम साहबा बदल हाँ इसकी शक्ल थोड़ी बदली हुई है शक्ल थोड़ी बदली है क्यों कि पहले जमींदारी होती थी उससे पैदल वो ना वो आपके जमाने में फिर ट्रैक्टर वो आ गया बैल अब ट्रैक्टर से हो रहा है काम एक ही है काम एक ही है पहले कुरान पढ़े किताब में मोबाइल में पढ़े काम एक ही है मेरे दोस्तों तो हिदायत की मेहनत का तरीका सारा कुरान ने बताया है हिदायत सबसे पहली अरामू मसाजिद्लाम्ला जो चार काम करते हैं है यही लोग आशा उलाई का यही लोग हिदायत याद कौन पहला मसाजिद का बात करते हैं और याद रखना मेरे दोस्तों कि मुझे बरकत चाहिए मेरे पास कसरत बहुत थी बहुत कसरत थी मेरे पास अल्लाह की कसम बरकत का भाव ही नहीं था कसरत थी हुनैन में बारह हजार की चंद नए फौजी जो साबा थे चंद के दिल में आया आज बारह हजार काफिर चार हजार इनकी पिटाई करेंगे अल्लाह ने कसरत पे नजर देखी वहीं हुजूर के होते हुए शिकस्त दिखाना शुरू कर दी फिर तौबा की उनको तौबा कराई चार फिर मार वरना तो तीन सौ तेरह ने बगैर हथियार का मारा मेरे दोस्तों बरकत का है अल्लाह कुरान में इन्ना वला अल्लाह ने पहला घर तुम्हारे लिए काबा बनाया मस्जिद ताकि यहाँ से तुम्हें हिदायत मिल जाए और बरकत अल्लाह की कसम बरकत और हिदायत का ताल्लुक मस्जिद की मेहनत से मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा बारह साल डांटे मिलेंगी टीचर डांटेगा जलीरल करेगा जिल्लत है बारह साल लेकिन लगे में मैं, मैं डॉक्टर बन जाऊं डॉक्टर अब जनाब बारह साल हो गए अब इनशा मेरे दोस्तों ऐसे नहीं है कि मस्जिद की मेहनत से एकदम नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों एक मेहनत से गुजारते हैं मस्जिद की मेहनत जिम की मेहनत से क्रिकेट की मेहनत तो मस्जिद की मेहनत में सबसे पहली मेहनत है मस्जिद को चार आमाल से आबाद करना हुजूर ससम की मस्जिद में हजरत उमर ईमान के हल्के में बैठते थे मुझे ईमान की जरूरत नहीं मैं ईमान अल्लाह कह रहे ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह ईमान वालों से क्यों कह रहे हैं कमा अमन नास सा ले के मेरे दोस्तों ईमान का हल्का अल्लाह के नबी को कहा बैठिए नंबर दो तालीम का हल्का दिन सीखना सिखाना हजरत मोहम्मद मस्जिद में आए तालीम का हल्का लगाए और जिक्र का आप तालीम में बैठे कहा दोनों हल्के खैर पे हैं मुझे मुल्ल मना के भेजा गया ईमान के हल्के में हजर तुम्हार बैठते थे झंडा हजर माज बिन जबर लेके बैठेंगे जाएंगे वो भी ईमान का हल्के बैठते थे हमें जरूरत नहीं है और कुरान कहता है जो बात सुनता नहीं है बात सुन ना वो हिदायत याफ्ता है ना वो अक्लमंद आदमी है बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को ध्यान से सुनते हैं और उन बातों में जो आसन बात होती है उसकी तबाह करते हैं कल्ला पक्के हिदायत याफ्ता अक्लमंद लोग हैं मेरे दोस्तों सुनना तो ईमान का हल तालीम का और वहाँ इब, इबादत हो रही अल्लाह के नबीम एक आरबी को कह रहे हैं तीन दादा तो नमाज नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ा पर टाइम ही नहीं लगे मेरे दोस्तों बुरा ना मानना भाई इनसे पहले कर लेना जितना इनफरादी इबादत है ने उसको रात में किये। मुझे तो ने बताया कि अगर दिन में नबी का काम करना है, है यह जो इबादत है ना इंफरादी सारी रात को किए कबारी रात को लंबे क्या करते हैं इस्तफार करते हैं ये बंदे कौन है अल्लाह के या बीतुन ये रात को लंबे सजदे क्याम करते हैं और मिन और रात को लंबी तवील सजदे क्याम और तस्वीर करते हैं सारा इनफरादी इबादत रात की है दिन में क्या है इन सफन तवीला ये नबी की सुन्नत है दिन में मजमे में फिरो उनकी नमाजें ठीक कराओ उनको उनका ईमान ठीक कराओ ए नबी जी चार काम करो इनके साथ इनको ईमान सिखाओ यत्रही आयातीन पढ़ो कुरान सारा दावत है दावत से ईमान बढ़ता है इनको सुनाओ इनको तालीम सिखाओ इनका का नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी सजदा पहले कर लिया में पे मारा जाएगा। का सबसे पहला काम क्या है कुंभिर और उठो नबी जी दिन में और इनको जो है दावत दो अल्लाह से डाओ और क्या करो अल्लाह नबी से कह रहे हैं दिन में ये काम करो और जब रात में थक जाओ इससे रात में तब तक ले ली तब्दीला अल्लाह की बात करो तो मेरे दोस्तों चार काम हिदायत के हैं पहली चीज मस्जिद को आबाद करना चौबीस घंटे जो मस्जिद को आबाद करता मस्जिद दुआ देती है अल्लाह इसके घर को आबाद करता है और हदीस में सही मस्जिद को आबाद करने वालों से वही आजाद भी अल्लाह हटा लेता है मस्जिद वालों पर नहीं आया हदीस में और ये हदीस मैंने इन आंखों से जल्जलों में देखी है अल्लाह ने मुझे दोनों जल्जलों बचाया जल्जलों में मैं उस मस्जिद में ठहरा होता पांचों मस्जिद बालाकोट में शहीद हुई एक तबलीखी मरकज बचा था वजह क्या थी ये चौबीस घंटे आबाद था और कोई बुजुर्ग ही नहीं थी चौबीस घंटे आबाद हम उस मस्जिद में एक ईंट अल्लाह ने गिर मुजफ्फराबाद मरकज गिर 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 की अल्लाह ने नहीं गिरने दी हम गर्म चश्मे में गए जमशेद के इंतकाल पे नौ हजार फुट पे अट्ठारह इंच बर्फ माइनस टेन कोई हीटर नहीं कोई बिजली नहीं गैस नहीं क्या हुआ अंदर गए मस्जिद गर्म तो मैंने कहा इमाम साहब यह कह चलो अंदर चलो पहले ताल मस्जिद पढ़ो और मशा फिर बताते हैं तो मैंने कहा बताए कहा सईद भाई जब से इस इस, इस मस्जिद बस्ती के नीचे पानी है ऑस्ट्रेलिया की चंद ग्राउंड है पानी पानी वहां बाउंस ज्यादा होती गेंद तो ये बस्ती गर्म चश्मा पानी पे सईद भाई जब से हमने मस्जिद को 24 घंटे मदरसा और मरकज बनाया अल्लाह सर्दी में पानी को गर्म कर देते गर्मी में ठंडा कर देते आंखों देखे मैं मस्जिद में बैठे मेरे साथ चलो टिकट में आप लूंगा दिखाता हूँ हाँ इलाका डेंजरस है वापस कम लोग आते हैं हम लोग आ गए थे अलहमद

क्योंकि अपने दीन पे जन्नत नहीं है खुदा ना खास था देखो आज लोग कहते हैं ना यार हम लोग तो कहें कुरान बता रहा है कि ये लोगों तीन किस्म के ईमान हदीस ने बताए हाथ से रोको जबान से या इसको युग रो इसको बदलने के लिए दिल में फिक्र करो जिसको फिक्र नहीं है उसका ईमान भी नहीं है हजरत सलमान इस्लाम खुद तलाश करने का है हमें पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ कहाँ का फजल में नमाज में आ नहीं है। को फिक्र है शिर की बिल्कुल शिर हमें आस पास है। मुझे कुछ लोगों ने कहा इन कंट्रीज में झूठ नहीं है हमारा वाला नहीं है जो हम लोग करते हैं झूठ तो पूरी दुनिया में जैर इस्लाम अल्लाह के बेटे तो हिदायत की अलामत है ये मसाजिद को आबाद करते हैं की हदीस है जिसको कसरत से मस्जिद का आदि ईमान है सही मस्जिद हर मुत्तकी का घर है नहीं सुनाए थे वहां से रोजी दूंगा जैसे घुमा नहीं नमाज कायम करो कुमें कायम नमाजी बनाओ ए नबी जी रोजी मत घबराओ नहीं वाहम कब इसी घर वालों को नमाज अहल तो पढ़वाओ और इस पर डटे रहो सबर से इनको बताते रहो हम आपसे रोजी नहीं जाते हम खुद देंगे तीसरी चीज जक़त कायम करो जक़ात से और सदके से अल्लाह की कसम माल, माल बढ़ता है देखो जकत से माल बढ़ता है जकवात दो खुशी से दो स, और ऊपर जक़ात सदके की बात है सूरभ बकरा में अल्लाह ने पहले सदका बयान किया है जबरबा वल यामा वल मसाकिन वे खर्चे अल्लाह ने कहा इन पे खर्च करो और कसम खाई नबीसम ने कसम खाता से माल है मैं हरम में था फोन आया मेरे दोस्त का सईद भाई मेरा साला वेंटिलेटर पे है, कोई द, बताएं, आयद, कोई मैं कितना खर्चा है पंद्रह लाख का मैं का, हिम्मत करके पंद्रह लाख सत का कर दे कसम खा रहा हूं घंटे बाद शायद भाई पंद्रह लाख जाके गरीबों में बांटा है अल्लाह ने मेरे साले को बगैर दवाई के घर पहुंचा दिए अल्लाह के नबी कह रहे से इलाज करो। हाँ हमारा क्या होता है बीमारी आई दस हजार डॉलर की जाएगी दस हजार की बीमारी आई है पांच हजार निकालो और निकलेगा यू क्योंकि मैं तो ऐसे निकालू ये देखे देखो सदका वो कहेगा जालिम आज के बाद इसके पास नहीं आना एक तो इसने पांच हजार दिया है अल्लाह से राजी अल्लाह क्योंकि कुरान कह रहा है मरेगा यह कह असद वकूम सालीन मुझे सदका करने दे ताकि मैं अम्बिया सिद्दीक सालीन की जमात में आ जाऊँ तो जब पांच हजार देगा बीमारी भी जाएगी और दस गुना वापस अल्लाह लौटाएंगे दुनिया में कितना तो मेरे दोस्तों जकात कायम करो और अल्लाह के अलावा किसी से ना डरो बहुत डर में दुख देते हैं हमें यहां से निकाल देंगे अल्लाह ने दुनिया बनने से पचास हजार साल पहले मुस्िम शरीफ करवाए थे कलम बनाया कलम वो कल लिख दे जो क्यामत तक होगा घबराओ नहीं आपका मुस्तकर कहां होगा मत घबराओ हो। अल्लाह की कसम है इससे हो क्या बिल्कुल मत डरो आप अल्लाह अगर यहां से निकालना है आप निकले जाओ हजूर को निकाला अल्लाह ने मक्का से मुस्तकर की घबराओ नहीं कहां मरेगा तय वो सलमान इस्लाम के दरबार में खड़ा है वो होगा ये आदमी देख रहा है फरिश्ता लग रहा है इसराइल ए सलामान मुझे यहां से निकाल के दे कहा इंडिया भेज दे जाओ इंडिया तो इसरा सलमान अल्लाह ने कहा था इसकी रूह कब्ज़ करनी है मैं कही यहाँ है इसकी कैसे कब्ज वो गांव करनी अल्लाह की कुदरत फौरन जाके मारू कब्ज कर ली तो मेरे दोस्तों माँ काना नफसिन इल्ला किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती जो किताब में तय है ना आगे ना पीछे बिल्कुल घबरा वलम यक्षा इल्ला अल्लाह के अलावा किसी से न डरो और किताबें कहती हैं जो मस्जिद को आबाद करेगा और नमाज कायम करेगा जक़ात कायम करेगा अल्लाह खुद इसके अंदर से तमाम खौफ निकाल देंगे इनशाला तो कौन कौन नियत करता है भाई आज से चारों हिदायत के काम करेगा बताएं भाई करेंगे इन शाह तला रोज करेंगे या कभी कभार और खुद करेंगे औरों को भी लाएंगे हाँ और तो हमारे पश्तो वाले ना हमारे यहाँ अमीर थे इंतकाल कर गए वो अफ्रीका के ऐफ्रो अमेरिकन तो वो जब जमात आई ना तो उन्होंने उसने कहा नसवार लाओ कहा तो नसवार एफ्रो अमेरिकन नसवार खाता है तो भाई नसवार दी तो तबलीग नहीं लगा सकते लेकिन पश्तो वालों ने माशा काम भी बहुत किया और ये हमारे गुजराती भाई ना मेमन इन्होंने माल लगाया उन्होंने जान लगाई जान माल से अल्लाह तला ने दीन पे कहाँ पहुंचा दिया तो मेरे दोस्तों देखो ये मस्जिद पूरी दुनिया के इलाके की हिदायत बन से ये पावर हाउस है यहाँ से ईमान जा सकते लेकिन अभी क्या है बस खराब है ये सौ आदमी बस में बैठे हैं एक तस्वीर लेके बैठे है कुरान बाहर तीन बेचारे पुराने हमारे बूढ़े धक्का दे रहे हैं कि बस स्टार्ट हो जाए अच्छा चार मेरी तरह के फोन पे बातें कर रहे हैं हाथ रख के हाँ, हाँ भाई महल चिल्ले के लिए इंशाल्लाह देखो यार कोई गम फिक्र नहीं वो तीन बेचारे धक्का दे रहे हैं अल्लाह निकाल दे या अल्लाह निकाल दे तो भाई सब मिलके बस चिलेंगे अल्लाह चला देगा तो नीयत करें इन श्ला आप एक नीयत और बदल लें जब आदमी दो बिलियन मुसलमान दो नफिल पढ़ें अभी हरम में जाके लहलुतुल्कदर में दो बिलियन मुसलमान दो नफिल पढ़े कदर में इनका अजर जमा कर दो, दो फर्ज नमाज के बराबर हो सकता दो फर्ज का नीयत तो बदली है मैं फर्ज पढ़ता हूँ अभी यह गुना था अभी नीयत की जो कबूल है ये नेकी बन गई इतनी बड़ी नेकी निका हो गया आप यहाँ आए थे कमाने की नीयत से आप मुझे बताए क्या अल्लाह पाकिस्तान का कमजोर है राजी ला या पाकिस्तान वाले आप बताएं भाई हुकूमत देती है रोजी या ये ये जो डॉलर हुकूमत ने बढ़ाया अल्लाह ने बता दें भाई मुझे भी गलत फहमी हुई है मैं तो अल्लाह बढ़ाने रोजाना कह रहे जी हुकूमत ने डॉलर बढ़ा दिया वो फरिश्ते नीचे देखे हंसदे बेवकूफ़ ऊपर अरिया ने ऑर्डर दिया ये क्या कर सकते हैं अल्लाह खलकुरहम तमाम तकलीफ मेरी है मेरा हुगुम चलता है ना आप नीयत बदल लें अल्लाह पर अल्लाह मुझसे गलती हो गई जो सच्ची तोबा करे ऐसा है जैसे गुना किया ही अल्लाह तौबा के बाद पिछले तो नेकी मदद है आज आप नीयत अल्लाह इस मुल्क में रहूं, इसलिए रहूंगा कि जितनी मेरी ताकत है तुमने सलाहियत दी है मैं अब इसको, इसको इस्तेमाल करूंगा सारी इंसानियत को जहन से बचाने के लिए और दीन को कायम करने के लिए कौन कौन नीयत बदलता है भाई आज इनशा ताल। अल्लाह ताली आपकी नीयत को बोलना ठीक है जी इनशा से सुबह ही सुबह

उल्मा की सबकी हफातमा हमारे हफातमा हमारी औलादों को नेक सवाले बना, मुत्तकी बना दीन का दाई बना। <स्थाँगारे>